अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस दी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हमने दो प्लेन लेने हैं, एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन पर हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना है दो लीनियर इक्वेशंस का। ये हमारे पास एक्स प्लेन है, इसको एक्स का नेम देंगे और ये वाई। ओके, सपोज टू लाइंस हैं, टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, इसको नाम एल वन का दे लेते हैं और इसको एल टू का। अब ये टू लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई भी लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास नो सॉल्यूशन, कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं दे रही, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसी तरह अगर यही लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल्स नहीं होती, ठीक है, इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। एक ये लाइन है और दूसरी लाइन जो है ऐसे होती। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे ही, और एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये एक सॉल्यूशन दे रही है, ठीक है, ये वन है, तो ये वन सॉल्यूशन हमें दे रही है। तो ये जस्ट इसका कॉन्सेप्ट था। देखिए, अ लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। अगर पैरेलल एक दूसरे के होंगी वो इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर पैरेलल नहीं होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन देंगी, उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हम फाउंड कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन है। इसको फर्दर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, इसको इक्वेशन वन का नाम दे लेते हैं। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन टू का। अब हमने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, हमने इक्वेशन वन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई इसलिए हमने 3 के साथ करना है ताकि हम सेकेंड इक्वेशन में से माइनस कर सकें। होल इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन आती है इसको हमने सेकेंड इक्वेशन के साथ माइनस कर देना है। 3x, क्योंकि माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस 6। अब ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस का है 3x माइनस का, और इसी तरह ये 3y प्लस का है 3y माइनस का, ये भी कैंसिल, और 12 में से माइनस 6 तो हमारे पास 6, तो हम 0 इज इक्वल टू 6 करेंगे। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन जो है वो नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो इसको कहेंगे कि ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। ओके, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।